हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं राइड विद बाइक। गाइज, आपने KTM 390 एडवेंचर का नाम सुना ही होगा। इस बाइक में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको इंडियन मार्केट में इस प्राइस रेंज में किसी और बाइक में ये सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। और इस बाइक का प्राइस 3.5 लाख के पार का भी है, फिर भी ये थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अभी KTM क्या कर रही है, KTM इसी बाइक को कॉस्ट कटिंग करते हुए एक न्यू बाइक लॉन्च कर रही है जिसका नाम है KTM 250 एडवेंचर। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक न्यू बाइक आने वाली है, KTM 390 एडवेंचर की छोटी सीसी की बाइक जिसका नाम होने वाला है KTM 250 एडवेंचर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये बाइक इंडियन मार्केट में कब लॉन्च होने वाली है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, KTM ने अभी तक इसका कोई ऑफिशियल डेट फिक्स नहीं किया है, बट KTM ने ये बताया है कि इसका प्रोडक्शन चालू है और जैसे ही ये सारा वर्क फिनिश हो जाता है, ये बाइक इस साल के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा। और इस बाइक का टेस्टिंग भी इंडिया में ही किया जा रहा है, तो मतलब आपको नवंबर से दिसंबर तक इस साल के एंड में ये बाइक आपको शोरूम में देखने को मिल जाएगी। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ कि 390 एडवेंचर और 250 एडवेंचर में क्या डिफरेंट है और कहाँ पे कॉस्ट कटिंग किया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको 250 एडवेंचर में क्या क्या मिलने वाला है। इसमें आपको सेम 390 एडवेंचर का ही लुक मिलने वाला है, मतलब आपको 390 एडवेंचर के लुक और डिज़ाइन 250 एडवेंचर में भी देखने को मिलेगा। और बात करें 250 एडवेंचर के इंजन की, तो KTM 250 एडवेंचर में 248.8 सीसी का सिंगल सरेंडर 4-स्ट्रोक DOHC BS6 इंजन देखने को मिल जाएगा, जो आपको पहले KTM Duke 250 में मिलता था, बट उससे थोड़ा RT इंजन 250 एडवेंचर में मिलेगा। और अगर KTM 250 एडवेंचर के पावर प्रोड्यूसिंग की बात करें, तो आपको इसमें 30 PS का पावर मिल जाएगा और 34 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें, तो आपको इस बाइक में डुअल चैनल ABS मिलने वाला है जो कि स्विचेबल होने वाला है। इसके लिए आपको एक अलग से स्विच मिलेगा ABS को ऑन और ऑफ करने के लिए। आप अपने राइडिंग के हिसाब से इसको जब चाहे तब ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ब्रेक्स की डायमेंशन साइज के बारे में बात करें, तो फ्रंट में 320 mm और रियर में 230 mm का डिस्क प्लेट दिया गया है। ज़्यादा सेफ्टी के लिए आपको इस बाइक में स्लीपर क्लच भी देखने को मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात कर लेते हैं, फ्रंट सस्पेंशन में आपको अपसाइड डाउन सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। लाइटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जैसा 390 एडवेंचर में हेडलाइट का लुक है, वैसा ही 250 एडवेंचर में भी मिलने वाला है। फुल्ली LED हेडलाइट विथ DRL एंड फुल्ली LED आपको इंडिकेटर और टेल लैंप में भी देखने को मिल जाएगा। और अब बात कर लेते हैं कंसोल की, तो आपको इसमें TFT डिजिटल स्क्रीन वाला कंसोल मिल जाता है जिसमें आपको पास लाइट, ABS लाइट, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, क्लॉक, स्टैंड डाउन लाइट, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसके TFT स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। KTM 250 एडवेंचर का व्हील बेस 1357 mm है, सीट हाइट 855 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है, जो कि 390 एडवेंचर में भी सेम रहता था। 250 एडवेंचर का वेट 156 kg होने वाला है, माइलेज आपको 30 से 35 किलोमीटर तक का मिल जाएगा और अप्रोक्स टॉप स्पीड 130 तक का मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं KTM 250 एडवेंचर के टायर की साइजेस की। तो आपको इस बाइक के फ्रंट में 110/70/19 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे और रियर की बात करें, तो आपको इस बाइक के रियर में 150/60/17 सेक्शन के टायर देखने को मिल जाएंगे, जो कि दोनों ट्यूबलेस टायर होने वाले हैं, एलॉय व्हील के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस बाइक की एक्स शोरूम प्राइस 2,50,000 के आसपास होने वाली है और ऑन रोड RTO और इंश्योरेंस वगैरह मिला के ये 2,80,000-2,90,000 तक भी हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर वेरिएंट की। तो आपको इस बाइक में दो कलर वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक ब्लैक, एक ऑरेंज। अब मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, KTM 250 एडवेंचर में KTM कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने वाली है। KTM 250 एडवेंचर में आपको 390 एडवेंचर के मामले में 250 एडवेंचर में अलग टायर मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे KTM 250 एडवेंचर में आपको दूसरा टायर देखने को मिलेगा। और 390 एडवेंचर में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया हुआ है, बट आपको KTM 250 एडवेंचर में शायद ये वाला फीचर देखने को ना मिले, मतलब आपको KTM 250 एडवेंचर में ट्रैक्शन कंट्रोल शायद ही मिलने वाला है। मतलब ये दो जगह पे KTM 250 एडवेंचर में कॉस्ट कटिंग किया जा रहा है। और अगर इन दोनों बाइकों में कंपेयर किया जाए, जैसे KTM 390 एडवेंचर और KTM 250 एडवेंचर में प्राइसिंग को लेके, तो आपको इसमें 250 एडवेंचर में आपको 60,000-70,000 का बेनिफिट होने वाला है, मतलब आपको 390 एडवेंचर से 60,000-70,000 250 एडवेंचर में कम पड़ने वाला है।
तो दोस्तों ये थे कुछ KTM 250 एडवेंचर के इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को आप प्रेस करके रखेंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आप आराम से वो वीडियो को देख सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे ही न्यू टॉपिक पे वीडियो लाता रहता हूँ बाइक रिलेटेड ही, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो वो अपडेट आप भी पा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विथ बाइक।